इतना बारिश हो रहा है, ये अभी आप देख सकते हैं, ये अपेडा का जो है यहाँ पर आप ऑफिस को देखा जा सकता है। और ये मतलब एनर्जी पार्क है, ये एनर्जी पार्क जहाँ पर जो है बच्चे खेलते थे, ये नाव में खेलते थे। अभी बारिश के वजह से आप हालात को देख सकते हैं। ये अगर मेरे कैमरा में आप देखेंगे, ये जो है एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है, यहाँ से अपेडा ऑफिस की ओर जाते थे, ये आप देखेंगे तो पूरा जो है झरना की तरफ बन गया, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो बच्चे खेलते थे, ये इसी जगह पर जो है जो नाव में बच्चे खेलते थे, उधर बैठने का जो जगह है, और यहाँ आप देखेंगे ये एनर्जी पार्क की ओर जाता है। ये यहाँ जो बच्चे खेला करते थे, अभी पूरा जो है झरना बन गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी का ये ताज़ा जो जानकारी है, अभी जहाँ पर जो है जो लोग बारिश जब ऐसे तेज़ी से होता है ना, जहाँ पर रेड जोन अलर्ट जहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकती है, ऐसे जगह में बैठने वालों को अभी के समय में सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं अचानक बारिश होता है और पूरा जो है एनर्जी पार्क जो है अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब ये इस तरह भी आप देखेंगे, वहाँ पर गाड़ी भी फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, और वहाँ पर जो है स्कूटी भी फंसा हुआ है। मैं आपको लगातार यहाँ से अपडेट दूंगा, लेकिन अभी के समय में जो लैंडस्लाइड जोन में जो लोग रहते हैं उनको अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि बारिश अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि जहाँ जहाँ जो है खतरा होगा, जहाँ जहाँ पर पानी बहुत जा सकती है, ऐसे जगह में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह अभी के समय ढूंढना चाहिए। क्योंकि अभी जब बारिश हो गया तो पूरा जो है सड़क में पानी भर गया है, घर में पानी आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को जो डिजास्टर मैनेजमेंट को देखता है, जो रिलीफ को देखता है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी के समय में पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दौरा करना चाहिए, और जहाँ जहाँ लोगों को कठिनाई हो सकती है उस जगह में NDRF के जवानों को तैनात करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को तैनात करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कुछ भी अभी के समय में घटना हो सकती है। आप लोग जहाँ भी जो नदी के किनारे में रहते हैं, लैंडस्लाइड जोन में रहते हैं, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा।